हेलो स्टूडेंट्स, हम एनएमआर पढ़ रहे थे। एनएमआर को समझने के लिए हम कुछ टॉपिक देख रहे थे और हमने कुछ उदाहरण किए थे। उन उदाहरण का एक्सप्लेनेशन किया था कि किस तरह से हम एनएमआर संकेत देख सकते हैं किसी यौगिक के लिए। उन्हीं एग्जाम्स में से एग्जाम्पल में से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा टॉलुइन। पहले एग्जाम्पल में टॉलुइन और ये टॉलुइन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए, आपको यहाँ पर दो टाइप के प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। एक तो ये जो सीएसटी वाले और एक जो कि बेंजीन रिंग में है। आप देखिए, ये जो तीनों है, तीनों का एनवायरमेंट एक समान है और बेंजीन रिंग का एक समान है। ठीक, तो आपको यहाँ कितने टाइप के प्रोटोन मिले? दो टाइप के प्रोटोन मिले, इसलिए आपके पास यहाँ एनएमआर संकेत भी कितना होगा? दो होगा। आपको पता है संकेत या सिग्नल डिस्प्लेटिंग कब होती है? जब निकटवर्ती कार्बन के पास में डिफरेंट एनवायरमेंट के प्रोटॉन प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ देखें, ये सीएसटी वाला जो कार्बन है, इसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कपलिंग नहीं होगी। तो इसलिए इन हाइड्रोजन का जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिंगलेट। इसी तरह इन हाइड्रोजन की सबका एनवायरमेंट समान है, इसी से कपलिंग नहीं हो रही है, तो इनका भी क्या मिलेगा? सिंगलेट। तो आपको टोलुइन के लिए जो सिग्नल मिलेंगे, सीएसटी के लिए तो मिलेगा एक सिग्नल और रिंग के लिए मिलेगा आपको एक सिग्नल। ये दोनों कैसे होंगे? ये होगा सिंगलेट फॉर्म में, ये भी कैसा होगा? सिंगलेट फॉर्म में। ठीक है, आप देखते हैं कि जो आपको एनएमआर ग्राफ मिलेगा तो वहां पर इसकी पोजीशन कहाँ होगी? आपको पता है कि हम किस पे देख रहे थे? डेन स्केल पे देख रहे थे। तो देखिए, जो सीएससी है, यहाँ पर जो फाइनल ग्रुप है C6H5, इसका क्या लगेगा? माइनस इफेक्ट लगेगा। माइनस इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा? डी परिरक्षण होगा, डी शील्डिंग होगी, डी परिरक्षण होगा। तो इसके लिए जो डेन स्केल पर जिसका ग्राफ मिलेगा, इसका पीक जो मिलेगा, सिग्नल जहां मिलेगा, वो डेन की वैल्यू होगी आपके लिए 2.1 ppm। ठीक है, 2.1 या 2.3 ppm। ठीक, आगे देखिए कि बेंजीन रिंग के लिए जो हाइड्रोजन है उसके लिए कहाँ मिलेगा? आपको पता है कि यहाँ पर सीएसटी का तो प्लस आई लगेगा, लेकिन जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन आप पढ़ चुके हो, जब शील्डिंग डी शील्डिंग पढ़ी थी आपने, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा? अपोज करेगा। इसे क्या कहते हैं हम? डी शील्डिंग कहते हैं। जब डी शील्डिंग ज्यादा होगी तो जो डेन की वैल्यू है वो भी कम मिलेगी हमें, ज्यादा कम मिलेगी। तो इसका जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है हमें लगभग 7.1 ppm को। ठीक है, हम देख चुके थे ना कि किस तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इनके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नीचे की ओर होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो कि नीचे से लगाए जा रहे हैं ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो हमें एनएमआर रेजोनेंस वाली जो पोजिशन हमें प्राप्त करनी है, वो हमें प्राप्त करने के लिए ज्यादा बाह्य क्षेत्र लगाना पड़ेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? डी शील्डिंग कहते हैं। तो यहाँ डी शील्डिंग ज्यादा होने के कारण ये जो सिग्नल होता है वो डेल की वैल्यू 7.1 ppm पर प्राप्त होता है। ठीक, आपको पता है कि किस तरह ग्राफ मिलेगा? सिग्नल से ही मिलेगा, इसका पीक छोटा होगा, यहाँ 5 हाइड्रोजन, इसका पीक लंबा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है आपके पास में एसिटोफिनोल। स्ट्रक्चर देखिए इसकी, ये
ये आपके पास में एसिटोफिनोल है। एसिटोफिनोल में आपको दो टाइप के हाइड्रोजन आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पांचवा हाइड्रोजन और एक ये तीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सिग्नल कितने मिलने चाहिए? दो मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यहाँ जो ये सीओ ग्रुप है वो सीओ ग्रुप का क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा। सीएसटी पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो सीएसटी वाले जो हाइड्रोजन है उसकी क्या हो जाएगी, डिशील्डिंग हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो यहाँ सीएसटी है उसके लिए सिग्नल मिलेगा एक, और वो क्या होगा, सिंगलेट। और उसके लिए जो डेल्टी मिली होगी वो लगभग होगी टू पीपीएम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, जिस तरह टोलुइन में था वैसे यहाँ पर ये पांच हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टोलुइन में आपको जो सिग्नल मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, सिंगलेट। लेकिन यहाँ सिंगलेट ना मिलने में क्या मिलता है, मल्टीप्लेट। ऐसा क्यों होता है, देखिए कि किस तरह यहां पर ये सीओ ग्रुप माइनस एन इफेक्ट शो करता है। आपको पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर। तो ये कहां चले जाएंगे, यहां पर। हम यहां क्या शो कर रहे हैं, रेजोनेंस। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। फर्दर ये कहां जाएंगे, यहां पर। यहां पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इस तरह देखो सीओ ग्रुप माइनस एन इफेक्ट दर्शाते हुए रेजोनेंस दर्शाता है। और रेजोनेंस में आप देखो कि ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन है, यहां पर क्या हो जाता है, धनावेश आ जाता है, जबकि मेटा पर धनावेश नहीं आता है। इसके कारण इनका जो केमिकल एनवायरमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट होने के कारण हमें कपलिंग होती है, और कपलिंग होने के कारण सिग्नल सिंगलेट के स्थान पर हमें यहाँ पर मल्टीप्लेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिंग के हाइड्रोजन है उनके कारण सिग्नल क्या मिलता है, एक मिलता है। लेकिन वो किस तरह मिलता है, मल्टीप्लेट फॉर्म में मिलता है, जिसके लिए डेल का मान होता है 7 से 8 पीपीएम। रीजन वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देख के दिखाई दे रहा है, किस तरह मूव कर रही है और ये गति करती रहती है, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे चुंबक की बल रेखाएं निकलती है और ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डिशील्डिंग होती है। सीओ ग्रुप के कारण यहाँ पर डिशील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ डेल की वैल्यू 7 से 8 के बीच में मिलती है। तो आपको जो यहाँ मल्टीप्लेट मिलेगा बेंजीन के कारण वो कहाँ मिलेगा, 7 से 8 पीपीएम पर, जबकि जो सीएसटी का जो सिंगलेट सिग्नल मिलेगा आपको मिलेगा वो 2 पीपीएम पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्या है, ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। देखिए यहां पर आपको तीन तरह के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, माना कि ए है, ये बी है और ये सी है। हम इसके लिए दो तरह के मीडियम में एनएमआर सिग्नल प्राप्त करते हैं। पहले हम करते हैं डीएमएसओ में, डीएमएसओ मीडियम या सोलवेंट। डीएमएसओ मीडियम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये क्या होता है, अधूरी विलायक होता है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है जो कि ओएच से रिप्लेस हो सके। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में होना हाइड्रोजन तो प्रेजेंट, डाइमिथाइल है, ये अधूरी विलायक है। लेकिन देखिए अगर यहां हम डीएमएसओ मीडियम में अगर हम इसके लिए सिग्नल प्राप्त करते तो देखो क्या मिलता है, जो ए टाइप है, ए टाइप के प्रोटोन यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, इसके निकटवर्ती कार्बन कितने प्रेजेंट प्रेजेंट है, 2। तो एन प्लस वन रूप से ए टाइप के प्रोटोन के लिए सिग्नल हमें क्या
सब्सट्रेट मिलेगा, ठीक है। बी टाइप के प्रोटोन के लिए जो सिग्नल मिलेगा, देखो ये बी टाइप क्या है, इसके निकल टोल्टिंग तो यही और एक ये है, दोनों क्या है डिफरेंट एलिमेंट वाले हैं, तो इनके लिए कैसे निकालेंगे हम, 3+1 × 1+1 क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ठीक। तो यहां पर ऑक्टेट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा ऑक्टेट, लेकिन जो ऑक्टेट मिलता है वो ओवरलैप्ड हो जाता है, ठीक है, वो क्लियर ऑक्टेट फॉर्म में नहीं होता है, आपको यहां क्या मिलेगा ऑक्टेट। आपको इसे पता चला कि अगर किसी कार्बन के पास में दो निकटवर्ती कार्बन है और उनके बीच में दोनों के पास में डिफरेंट एनवायरमेंट वाले प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो उसको ऐसे करते हैं n+1 × n+1, एक तरफ के प्रोटॉन इंटू दो तरफ के प्रोटॉन और प्लस वन, और दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिल जाता है सिग्नल मिल जाता है, ठीक। सी टाइप के प्रोटॉन के लिए देखिए, आपको पता है कि कपलिंग हमेशा कहां होती है, निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन के लिए, और वो भी कब, जब उनका एनवायरमेंट क्या हो डिफरेंट हो। ये सी है, सी के निकटवर्ती ये बी है, बी के पास में दो हाइड्रोजन है तो 2+1 क्या हो जाएगा आपके पास में, 3 क्या मिलेगा आपके, ट्रिपलेट, ठीक। ये तो कैसा हुआ DOS मीडियम में, अब हम देखते हैं जलीय माध्यम, जब जलीय माध्यम यूज किया जाएगा तो यहां पर क्या मिलेगा, देखिए जब जलीय माध्यम यूज किया जाएगा तो जल इससे क्रिया कर लेगा, माना कि जल जो है इस पे हम इसका काउंट कर देते हैं, तो ये OH है ये इससे रिप्लेस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस अवस्था में सिग्नल क्या मिलेगी, ए टाइप के लिए यहां पर 2+1 यहां पर क्या मिलेगा आपको, ट्रिपलेट, ठीक है। बी के लिए देखते हैं हम, ए के कितने हैं 3, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा इंटरचेंज होता रहेगा, जब चेंज होता रहेगा तो यहां प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर वो कपलिंग कैसे करेगा, तो ये कपलिंग में यहां पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए जो सिग्नल होगा वो जो विपाटित होगा वो किसके कारण होगा, इस यस्ट के कारण। तो इसका जो सिग्नल मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा, क्वाड्रेंट मिलेगा। बी टाइप के प्रोटॉन के लिए सिग्नल क्या मिलता है, क्वाड्रेंट मिलता है, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये जो OH है, जो ये हाइड्रोजन है, ये H2O से क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है, एक्सचेंज होने के कारण ये अपने स्थान पर नहीं रहता है, जब इससे नहीं रहेगा तो ये कपलिंग नहीं करेगा, और जब कपलिंग ही नहीं करेगा तो इसके कारण इसका सिग्नल प्रभावित नहीं होगा, ठीक। इस वाले सिग्नल का अगर निकालते हैं हाइड्रोजन का, तो ये भी इससे कपलिंग नहीं करेगा, जब कपलिंग ही नहीं करेगा तो एक तो एनेमा शो नहीं करेगा, एनेमा शो करेगा तो ये कैसा मिलेगा, सिग्नल फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आएगा कि इस तरह DMS मीडियम और जलीय माध्यम में एल्कोहल के लिए एनेमा जो संकेत होता है वो अलग अलग मिलता है, ठीक। आगे है ना, OH कपलिंग नहीं लेगा और OH का जो एनिमल संकेत मिलेगा जलीय माध्यम में क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, सिंगल सिंगलेट के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी और हमें इसे पता करना है कि यहाँ पर कितने एनएमआर संकेत मिलेंगे और वो किस फॉर्म में मिलेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल है,
क्या है ये नियोपेंटिल बेंजीन। अब देखो यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटोन प्रेजेंट है, एक दो तीन चार। ये जो तीनों सीएसटी एंटेंगलमेंट क्या है सेम है, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है सारे के सारे, जो किससे बॉन्डेड है सीएस टू से, तो इन तीनों का एंटेंगलमेंट समान है, तो ये सारे के सारे किससे हो गए एक जैसे हो गए, सीएस टू से डिफरेंट हो गया और सेम से डिफरेंट हो गया। ठीक, तो आपको यहाँ पर तीन टाइप के प्रोटोन मिले। जो ए टाइप के प्रोटोन है उनका सिग्नल किस पे डिपेंड करेगा, निकटवर्ती कार्बन पे डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोटोन की संख्या पर। तो यहाँ देखो यहाँ पर ये क्या है, दो है ये इसका निकटवर्ती कार्बन है, उसको कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं। तो क्या इसका सिग्नल इससे प्रभावित होगा, नहीं होगा। रीजन, ये हाइड्रोजन तो जुड़े हुए किस पर, इस कार्बन, ये किस पे जुड़े हुए इस पर, ये किस पे जुड़े हुए इस पर, इनका निकटवर्ती कौन सा कार्बन है ये वाला, और क्या इस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इसलिए जो कि ए टाइप के प्रोटॉन है उनका सिग्नल क्या मिलेगा, हमें सिंगलेट मिलेगा। तो ए टाइप के प्रोटॉन के लिए हमें सिग्नल मिलेगा क्या, सिंगलेट। ठीक, आगे देखिए कि जो बी टाइप के प्रोटॉन है इसकी निकटवर्ती तो ये कार्बन है या ये कार्बन है, क्या दोनों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो कपलिंग नहीं होगी, इससे स्प्रेडिंग भी नहीं होगी। तो जो बी टाइप के प्रोटोन है उसके लिए सिग्नल क्या मिलेगा, सिंगलेट। ठीक, नेक्स्ट देखिए सी टाइप के प्रोटोन। सी टाइप के प्रोटोन भी आपस में विपटित नहीं होंगे, तो इनका भी क्या मिलेगा, सिंगलेट। ठीक, ये हो आपका फर्स्ट एटम। नेक्स्ट देखिए साइक्लोहेक्सेन, इसके लिए देखो ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो नौका और कुर्सी। ठीक है, ये कब एडजस्ट करते हैं, लो टेम्परेचर पर, लेकिन जब रूम टेम्परेचर होता है तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 5 किलो किलोरी प्रति मोल। तो ये रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए ये दोनों जो स्वरूप होते हैं, संरूपण होते हैं, वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। इसके कारण इनमें पाए जाने वाले एचसीएल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन अलग अलग न होकर एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें जो एचसीएल होता है वही इक्वेटोरियल होता है, जो यहाँ इक्वेटोरियल होता है यहाँ एचसीएल होता है। लेकिन जब दोनों रूप एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं तो हम एचसीएल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों का जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंगलेट। कहाँ, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन यदि अगर हम लो टेम्परेचर ले, जैसे कि हम -100 डिग्री सेंटीग्रेड ले, तो ये जो दोनों फॉर्म है ये एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाएंगे, तो हम एचसीएल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, तो दोनों के सिग्नल अलग अलग मिलेंगे और किस फॉर्म में मिलेंगे, सिंगलेट। तो यदि रूम टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन के सिग्नल की बात करोगे तो क्या मिलेगा, एक, वो सिंगलेट फॉर्म में मिलेगा। और यदि लो टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलोगे तो क्या मिलेगा, दो सिग्नल मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए चुका है। कुछ क्वेश्चन ही हैं बुक में जो दे रखे हैं वो आप सोल्व करके देखिए। थैंक यू।